तो क्लास आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर साइकिल। तो अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि जो वाटर साइकिल है ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? वाटर साइकिल मतलब आप सबको आइडिया है इसके बारे में, दैट्स गुड कि आप सबको कुछ ना कुछ क्लियर है। और अगर मैं इसे इजी वे में समराइज करती हूँ तो वाटर साइकिल, जैसे साइकिल टर्न होती रहती है ना एक एक अपने एक एरिया में, वैसे ही वाटर का सर्कुलेट होना लैंड, एटमोस्फेयर और ओशन के बीच में। आपको अगर कि मैम इन तीनों के बीच में वाटर का कैसे सर्कुलेट होता है, तो आपको पता ही है कि जो लैंड एरिया है तो लैंड एरिया में क्या होता है कि जितने भी वाटर सोर्सेस हैं वहाँ से पानी जो है वाटर चेंज होता है वाटर वेपर में, और वाटर वेपर कैसे चेंज होता है, बिकॉज ऑफ द सन रेज, ठीक है। तो टेम्परेचर तो वो चेंज हुआ और फिर कहाँ गया, एटमोसफेयर में, एटमोसफेयर में कंडेंस हुआ और कंडेंस होने के बाद वो नीचे प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है, यानी लैंड से उठा वापस एक प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में लैंड पे आया। तो क्या हुआ, जहां से गया वहीं पे वापस आया। दिस इज योर वाटर साइकिल। इट इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन लैंड, एटमोस्फेयर एंड ओशन। क्लियर हुआ ना? अब फिर एक दूसरी चीज थी, उसका जो दूसरा टॉपिक था वो क्या था, वाटर साइकिल के बाद उसने क्या लिखा था, शायद ओशन सर्कुलेशन लिखा था क्या? उत्कर्ष से आपका सेकंड टॉपिक क्या था बेटा? मैम द सेकंड टॉपिक वाज ओशन वाटर, दैट इज द वेरियस लेक्स एंड रिवर्स फाउंड इन द वर्ल्ड। अब एक चीज आप इतना समझ लो, हाँ सही है, आपको पता ही है ना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज है हमारे वो कितनी है, 97% हमारा सॉल्टी वाटर है, अगर 100 में काउंट करें तो 97 अगर सॉल्टी है तो वो सॉल्टी पानी कहाँ गया, सी में और ओशन में। 3% पानी, ये सारा डाटा ना माइंड में फिट कर लेना और लिख लो नोटबुक में या पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। 3% वाटर फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर के सोर्सेस आपको कहाँ मिलेगी, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, ठीक है। तो ये सारी सोर्सेस हो गई। अब फिर क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे पास चलो 3% तो पानी है, पर वो पानी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है पीने के लिए, क्यों कुछ कंट्रीज में स्कर्सिटी प्रॉब्लम आती है, ओनली बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेड वाटर। सिंपल, वहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूटेड है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब एक क्वेश्चन है ओशन सर्कुलेशन। देखो बेटा ओशन सर्कुलेशन के बारे में बताओ, क्या बताओगे? मतलब ओशन के वाटर में ओशन सर्कुलेशन इज डिवाइडेड इनटू द थ्री कैटेगरीज, स्पेस, टाइम एंड ओशन फ्लक्स। वेरी गुड। तीन कैटेगरीज में ओशन के पानी का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। एक होता है टाइड्स, एक होता है वेव्स, और तीसरा क्या होता है, थर्ड इज ओशन करेंट। तो तीन हो गए। अब आपको पता ही है कि वेव्स, टाइड्स और करेंट्स में फर्क क्या है, ठीक है। करेंट्स वो होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास टू टाइप ऑफ करेंट होती है, कोल्ड एंड वार्म। कोल्ड ओशन करेंट्स वहाँ फॉर्म होती है जहाँ पे सनरेज नहीं पहुँचती है, जो जैसे कि पोलर एरिया के पास, ठीक है। तो पोलर एरिया के आस पास, ट्रॉपिकल एरियाज में और पोलर एरिया के बीच में जो ओशन होती है, जैसे कि नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा ओशन होगा वहाँ पे बताओ, दैट इज योर अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन, हाँ। तो बेटा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो ओशन करंट फॉर्म होती है वो कोल्ड वाटर ओशन करंट होती है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था लैब्राडोर का, है ना। वही जब आप इक्वेटोरियल रीजन में आते हो तो आपकी जो ओशन करंट होती है वो वार्म हो जाती है, जैसे कि आपका कौन सा स्ट्रीम था, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि इक्वेटोरियल के पास सनराइज होती है, सनराइज डायरेक्ट फॉल होती है, तो वहाँ का पानी गर्म हो जाता है, तो गर्म पानी को ओशन, वार्म ओशन करंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। तो ये अलग अलग, और इसमें ओशन करंट में एक और फैक्ट जान, जहाँ पे गर्म और ठंडा पानी मिक्स होता है ना, दोनों करंट्स मिक्स होती है, वहां पे वो कौन सा एरिया होता है,
That was ma'am. That was if available for best of physics. Ma'am, best is brown. Yes, that was if available for fish breeding. वहाँ पे फिश ब्रीडिंग बहुत ज्यादा होती है. और दूसरी चीज, एक चीज और क्या होती है वहाँ पे, कैसा इक्विपमेंट बनता है? फॉगी बनता है. वेरी गुड, क्लियर हो गया. तो ये ओसन का रेट था. अब दूसरे वाटर फॉर्म में आते हैं, वो है हमारा टाइड्स. तो टाइड्स तो आपको पता है कि जब ओशन में या सी में वेव्स का दो बार रिदमिक राइज एंड टू बार रिदमिक फॉल, दो बार लहरों का उठना, दो बार लहरों का गिरना, एक ही साथ नहीं होता है. वे ये कुछ इंटरवल्स पे होते हैं, ठीक है. तो ये हमारे कहलाते हैं टाइड्स, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन ओशन इज नोन एज टाइड. इस टाइड की वजह से कभी कभी ये इतनी ज्यादा वेव्स जो है इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, लैंड ऑफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड हो जाती है ना. तो सुनामी वेव्स जो होती है यही तो कहलाती है ना, टाइडल वेव्स की वजह से कभी कभी सुनामी आ जाती है. ये लहरें कभी कभी इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाती है. आपकी बुक में एक जगह लिखा हुआ था कि कितने मीटर तक जाती है तो इन लहरों को सुनामी कहा जाता है, बता सकते हो? मंडल ताजा सुनामी का 1 मीटर 2.5 How much? What is the height of the tsunami waves? Ma'am, highest is 150 meter. 150 meter highest है, ठीक है. तो बेटा ये तो tides की बात हो गई, लेकिन एक question ये है कि tides में आप देखोगे एक question हमेशा आता है और important question भी है कि high tides और low tides. उसको ज्योग्राफिकल टर्म में स्प्रिंग टाइड कहते हैं हाई टाइड को, और लो टाइड को नीप टाइड कहते हैं. तो अभी क्वेश्चन है ना कि कैसे फॉर्मेशन होता है. तो इसके बारे में आपको मैंने बताया था कि जब फुल मून और न्यू मून वाले दिन हाई टाइड्स और लो टाइड्स होते हैं, ठीक है. अब देखो पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन क्या होता है कि जब आपने पढ़ा है कि जब सन मून और अर्थ सर्कुलेट करते करते एक दूसरे का एक सीधी लाइन में आ जाते हैं. सीधी लाइन में आने के बाद अर्थ जो ओशन बॉडीज होती हैं वहाँ पे वाटर जो है, क्योंकि सब अपना अपना ग्रेविटेशनल लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, तो वहाँ पे वाटर बॉडी जो है वो उठती है, राइज होती है, क्योंकि लिक्विड में ही फ्लो होता है, लैंड नहीं उठ जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है. तो उसकी वजह से वहाँ पे आती है हाई टाइड. और लो टाइड कब होता है? जब सन मून और अर्थ तीनों ट्रायंगल के शेप में आते हैं, स्ट्रेट लाइन में ना आकर के ट्रायंगुलर फॉर्म में बनते हैं, तो वहां पे नीप टाइड होता है. क्यों? क्योंकि सन और अर्थ दोनों अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है. तो इसकी वजह से वहां पे टाइड कम आती है, वहां पे वेव्स कम होती है. इतना क्लियर हुआ ना? तो ये क्या था टाइड्स के बारे में. टाइड्स और टाइड्स के बारे में आपको क्या समझना था? अब टाइड्स वेव्स के बारे में तो फायदे बहुत हैं नेविगेशन में. इसका फायदा मिलता है, आपको पता है कि जब शुरू शुरू में जो ये वास्को डी गामा जैसे जो ट्रेवलर्स आते थे इंडिया में, जब सी रूट का पता लगाया गया, तो उस समय ये मालूम चला ना कि जो मॉनसून विंड्स होती हैं इंडिया का, ये जो सी रूट मालूम चला था. तो बेटा ये सारी विंड्स जो होती है बहुत बहुत ट्रेडिंग में वो इसका प्लस पॉइंट है. ट्रेडिंग में प्लस पॉइंट क्या है? क्योंकि इन हवाओं से जहाज जो है वो एक फ्लो मिल जाता है, वो एक सही डायरेक्शन मतलब एक सही स्पीड उनकी तेज हो जाती है और ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है. वही अगर हवाएं अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो अनफेवरेबल हो जाता है, समझ रहे हो. तो ये विंड का टाइड्स का भी कई जगह पे बहुत फायदा है, ठीक है. अब आपको पता है कि जब हाई टाइड होती है तो क्या होता है, सी के आसपास जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं वो टाइड्स बहुत वेव्स बहुत आगे तक जाती हैं, समुद्र सी शोर से भी बहुत आगे तक जाती है, वो पूरा का पूरा एरिया सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है ना. और जब लो टाइड आती है तो वो वेव्स क्या होती है, वो पीछे आ जाती है, ठीक है, रिसीड हो जाती है, पीछे की तरफ आ जाती है, ठीक है. तो ये हुआ.
वेव्स के बारे में जो हमारा अगला था, तो वेव्स क्या होते हैं, विंड की वजह से सी वाटर में जो मूवमेंट होता है दैट इज योर वेव्स, है ना। अब उसमें भी लार्ज वेव्स उसमें भी होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जब स्टॉर्मी वेदर होता है, तूफानी मौसम होता है, तो ह्यूज वेव्स बनती है जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। तो इतना हो गया ना। अब एक क्वेश्चन है, आप इतना सब तो पढ़ ही लिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिए, फैक्ट्स भी पढ़ लिए, हाँ एक क्वेश्चन क्या आप बता सकते हो कि हम जो सॉल्ट यूज करते हैं अपने घरों में वो कौन सा सॉल्ट होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता है, वेरी गुड। ठीक है, और फिर अब एक कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, डू यू नो व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? यस मैम, द फॉलिंग डाउन ऑफ रेन ड्रॉप, द फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। वेरी गुड बेटा, द फॉलिंग रेनफॉल इज नो फॉग, फॉग पे अगर हो रहा है ना तो क्या हो रहा है, फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ऑल दिस फॉग, रेन, स्नो, हेल, ये सब जो ओले वगैरह पड़ते हैं, तो दिस ऑल आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स? मैम, द फैक्टर्स आर द स्पीड ऑफ द फॉर्म एंड द वोल्केनिक कंस्ट्रक्शन एंड also the earthquake, the earthquake, landslide, just a minute, wait, रुको, concept clear करो। question था कि कौन-कौन से factor है जो waves की height को affect करते हैं, तो एक बच्चे ने कहा landslide, अब बताओ landslide कैसे affect करेगी? landslide का मतलब समझते हो क्या होता है? कि जो land होती है, जो mountains की जो land अंडर वाटर लैंडस्लाइड, ये कह रहे हैं वो? इसका आंसर है बेटा टेम्परेचर, विंड, ग्रेविशनल पुल ऑफ द सन, द अर्थ, द मून, दिस ऑल आर द कोल्ड करेंट्स, दिस ऑल आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट, नो, दिस आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ओसन वाटर, बट माई क्वेश्चन वॉज दैट विंड, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, अंडर वाटर डिस्टर्बेंस आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द हाइट ऑफ द वेव्स, लहरों की हाइट को ये सारी चीजें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं। ठीक है, हवा, अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट कैस्पियन सी? कैस्पियन सी, मैम कैस्पियन सी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सीज इन द वर्ल्ड। यस, इट इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। यस, लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। आप क्या करना, क्लास सेवन के काम करना, आपको तो पता ही है कि हमारे जो फाइव मेजर ओशंस हैं उनके नेम आपको क्लियर है, उनका लोकेशन आपको क्लियर है। क्लास सिक्स में आपने उनकी साइज के बारे में पढ़ा था और वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ पे है ये आपने पढ़ा था। तो एक होमवर्क आप लिखिए कि लोकेट दिस फाइव मेजर ओशंस एंड एटलीस्ट 10 सी, 10 important seas you have to locate in the world map. For the example, आप हर एक continent के दो दो sea को ले, जैसे Mediterranean Sea, ठीक है? आप देखो कि North America, South America के बीच में क्या कोई sea है? Ocean तो है, Atlantic Ocean, क्या वहाँ पे बीच में कोई समुद्र है? ठीक है, और वाटर में आप इन सभी कॉन्टिनेंट्स में बहने वाली जितनी भी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका में अमेज़न रिवर, अफ्रीका में आपका नाइल रिवर, एशिया में आ जाओ तो अपना गंगा, यमुना, ब्रह्म
आपके ये यूरोप में तो बहुत सारी है थेम्स है, कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स है उन सब को, नॉर्थ अमेरिका में कौन सी रिवर है, कोई रिवर है नॉर्थ अमेरिका में? यस और नो? मिसिसिपी रिवर. मिसिसिपी रिवर इज इन नॉर्थ अमेरिका. एंड उसके अलावा उसके आसपास बहुत सारे लेक्स हैं, जैसे आपका ग्रेट सुपीरियर लेक. ठीक है, तो इन सब का मुझे कल आपकी क्लास में होमवर्क में चाहिए. एंड दिस इज योर मैप होमवर्क. क्लियर? लोकेट ऑल द इम्पोर्टेंट सीज एंड ओशंस एंड रिवर्स ऑन द वर्ल्ड मैप. दिस इज योर होमवर्क. राइट ऑफ. I will check it in tomorrow class. Ma'am, time over. Ah, okay. So thank you all. Okay.